पसंद आ गई है। स्वादिष्ट है, मजा आ रहा है खाने में। स्वादिष्ट क्यों ना होंगे, वो है ना पहलवान हलवाई, उसके यहाँ से लेके आई हूँ मैं। अरे छोड़ो ना बहन जी, आप खाओ ना, तो खाओ। देखिए भाभी जी, ये शादी अगले ही महीने होनी चाहिए। अब शगुन देखिए भाभी जी, ये शादी अगले महीने ही होनी चाहिए। अच्छा अगले महीने हो जाएगी शादी, लेकिन हमारी एक शर्त। कैसी शर्त भाई साहब? देखिए ना, तो हमें सोना चाहिए ना रुपये पैसे। अरे भाई, बहुत अच्छी बात है भाई साहब। हम तो बस इतना चाहते हैं कि हमारे कुछ यही 50 साल खास रिश्तेदार हैं, उनको आप 1-1 किलो मोटा वाला प्याज गिफ्ट दें। क्या बात कर रहे हैं भाई साहब, 50 रिश्तेदार, मतलब हमें 50 किलो प्याज लेना पड़ेगा जी। देखिए भाई साहब, हम लोग मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं, इतना महंगा प्याज हम कहाँ से लाएंगे, उसको सोचिए। तो फिर ये रिश्ता नहीं हो सकता, उठो बेटा। अरे भाई साहब सुनिए तो सही, अरे सुनिए तो सही भाई साहब, ये बात तो सुनिए मेरी। नहीं नहीं, कहाँ जा रहे हैं? नहीं लेना। कैसी बात कर रहे हैं भाई साहब? सर आपको आगे आनी नहीं है, मैं तो वही बोल रहा था ना आपको, आपको सिर्फ खड़ा होना है उस जगह पे, सेम अपने अपनी जगह पे, सबको मौसी आपको भी सेम पॉइंट पे। बेटा कैसी बात कर रहे हैं भाई साहब, सुनिए तो सही। अरे मेरी लड़की सुंदर है, सुशील है, हाँ संस्कारी है, बस एक प्याज ही नहीं है, क्योंकि आप रिश्ते फुसरा कर जा रहे हो। 10-15 किलो प्याज तक का इंतजाम कर देंगे हम। देखिए 45 किलो प्याज का तो हमें इलाहाबाद वाले भी दे रहे हैं। चलो जी चलो। अरे भाई साहब, अरे ऐसे देखो तो यार, व्यू फाइंडर मैं थी। हाँ सर, अभी पहले झाड़ से कवर हो गया सर। अरे भाई साहब सुनिए तो सही, अरे भाई साहब, अरे आपके पैर पड़ती हूँ, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, पैर पड़ती हूँ भाई साहब। मम्मी अच्छा ठीक है, बाबूजी जरा छोटे लग रहा फिगर वाइज, ठीक है गोइंग एंड
मुंह खोलो तो आ जियो पानी पी लो मुंह खोलो अभी तो पानी पानी कह रहे थे अब प्यास नहीं है क्यों अभी नहीं आज से मुझे थोड़ा कम पानी पिलाया कर ऐसे करके कुछ दिनों में एक बाल्टी पानी तो जमा हो ही जाएगा ठीक है फिर हम भी नहीं पिएंगे पानी एक बाल्टी तो हम भी जमा कर ही लेंगे तो गधे थे बाबू जी पर आप तो ठीक थे आपने रोका क्यों नहीं क्योंकि मैं तुझसे भी ज्यादा बड़ा गधा था जो जी पास ही थी आप चिंता मत करो बाबू जी हम लाएंगे गजबिटिया की शादी के लिए पानी पर आप ये पानी पी लो आपको खांसी आ रही है पर आप जी ना पानी पी लो आपको खांसी आ रही है खांसी आ वैसे मैंने अपने कोटे का पानी वैसे भी मैंने तो अपने कोटे का पानी खत्म ही कर लिया है अब तो मैं अब जल्दी से चुड़िया के पास चला जाऊं वहां से अब तुम्हें चुड़िया के पास चलना चाहता खांसी खांसी नहीं यार बस बेटा रख दे बाद में बस बेटा रख दे बाद में देख रही है चिड़िया ये तीन बरू में मुझे तेरे पर पर अब सोच बूढ़ा हो गया अब सोच बूढ़ा हो गया कुछ कर नहीं सकता
आज की शादी के लिए पानी का इंतजाम भी पानी का इंतजाम हो जाएगा बाबूजी, मुझे विश्वास है अपने गिल्लू पर, वो कुछ भी करके पानी का इंतजाम कर ही लेगा। हरिओम। चिड़ियाघर की प्यारी बहू को नहीं नहीं अब तो दादी बनने की तैयारी है, तो चिड़ियाघर की प्यारी कोयल की तरफ से आपको प्यार भरा हरिओम। वो क्या है ना, आज मैंने ये रूप इसलिए धरा है क्योंकि हमारे शो में एक नई कहानी ने जन्म लिया है, जिस कहानी में हम सब के सब, यानी कि हमारे चिड़ियाघर का पूरा परिवार, हमारी चिड़ियाघर सोसाइटी के सारे लोग 30-40 साल आगे बढ़ जाएंगे और सब के सब मेरी तरह बूढ़े हो जाएंगे, यानी कि ये विग, सफ़ेद बालों वाली, बहुत कम मेकअप, इतनी सारी झुर्रियाँ, और मैं तो मतलब मालाएँ भी जपती हूँ, और आप मेरा लुक देख ही सकते हैं, देखिए मैंने कैसी बिल्कुल प्लेन सूती धोती वाली साड़ी पहनी हुई है, नीचे मोज़े भी हैं क्योंकि अब मेरे घुटने काम नहीं करते, मुझे अपने पैरों को आराम देना होता है इसलिए मैं मोज़े पहन कर रखती हूँ। बड़ा दर्द होता है, ठंडी में तो बड़ी तकलीफ़ होती है, तो और ये सारा हाल हमारे घर के सभी लोगों का है, हम सब बूढ़े हो गए हैं, हमारे बाबूजी तो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा बूढ़े हो गए हैं क्योंकि 105 साल की उम्र हो गई है उनकी, और आप देखेंगे भौं हैं, इतनी मोटी मोटी, इतने सारे बाल, इतने बाल तो मतलब आजकल के जवानों के पास नहीं होते, बस सफ़ेद हैं। तो कंडीशन ये है कि घोटक जो कि मेरे वो हैं, वो एक दिन एक सपना देखते हैं जिसमें उन्हें लगता है कि उनका पूरा परिवार और पूरी दुनिया आगे के सालों में चली गई है, फ्यूचर में चली गई है, और हम सब लोग आगे जाकर क्या लाइफ जिएंगे, वो वाला सपना देखते हैं। और उनकी ये आदत है कि वो खाना बर्बाद करेंगे, खाने के लिए 4-5 पराठे ले लेंगे, 2-3 वेस्ट कर देंगे, पीने के लिए बहुत 2-3 गिलास दूध लेंगे, 1-2 वेस्ट कर देंगे, पानी ऐसे यूज़ करेंगे कि उसका वेस्टेज होगा, पीने का पानी वेस्ट करेंगे, हर एक चीज़ वेस्ट करेंगे। तो उनकी इस आदत के कारण जब हम बुढ़ापे में जाएंगे तो वो तो पहले ही निकल जाएंगे और हम सब रह जाएंगे उनकी करनी को भोगने के लिए, यानी कि हमारे पास पानी की एक बूंद नहीं होगी। हमारे बाबूजी जिनको पानी से गधा प्रसाद नहलाया करता था, वो ड्रॉपर से पानी पिया करेंगे। और अब होगा ये कि हमारी जो एक बेटी है गज, मेरी देवरानी की बेटी, उसके लिए रिश्ता आया है, तो उन्होंने कहा कि देखिए लड़कियों की तो बड़ी कमी हो गई है, तो आपकी ये मोटी भैंस बेटी भी चलेगी, हम इससे शादी कर लेंगे, बड़ी सुंदर है, इसको हमें ये रिश्ता मंजूर है। लेकिन उन्होंने ना बहुत बड़ी मांग कर दी है, पता है, उनको डाउरी चाहिए, और उनको दहेज में क्या चाहिए आप जानते हैं, 50 बाल्टी पानी। हे भगवान, कहाँ से आएगा पानी, हे भगवान, यहाँ पर तो पानी की बहुत कमी है। आपको पता है हमारा जो हौद अंदर आंगन में है ना, उसमें इतना पानी रहता था कि गधा प्रसाद रोज़ जो भी आता था उसे पानी से भिगाता था, नहलाता था, हम 2-3 बार नहाते थे दिन में, आजकल तो 20-25 दिन में भी एक बार नहीं नहा पाते, इतनी किल्लत हो गई है, क्या बताऊँ। तो पानी की ये किल्लत ना हो, आगे जाकर हमारे बच्चों को, हमारे बच्चों के बच्चों को, और भी बहुत सारी चीज़ों की कमी ना हो, जैसे कि प्याज, टमाटर, दालें, ये सब एक्सटिंक्ट और रेयर ना हो जाएं, यही समझाने के लिए चिड़ियाघर वासी और चिड़ियाघर के जितने भी मेंबर्स हैं वो सब बुढ़े हो गए हैं, आपको 2016 से पहले ही ये छोटा मोटा सा ज्ञान देना चाहते हैं कि आगे एक साल आ रहा है नया 2016, उसके आगे भी बहुत सारे साल आएंगे, और भगवान करे कि आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी हो, बहुत खुशहाल हो, सब कुछ हो आपके पास, लेकिन अगर आप उसे और अच्छा बनाना चाहते हैं
और अपने आने वाली जनरेशन्स को बहुत कुछ देना चाहते हैं, बहुत कुछ उनके लिए छोड़ के जाना चाहते हैं, तो आपको यही काम करना पड़ेगा कि आप चीज़ों की, पानी की वेस्टेज ना करें। पानी बहुत अमूल्य चीज़ होता है, अनमोल चीज़ होता है, उसे अपनी धरोहर समझें और बचा कर रखें। बहुत कॉन्जर्वेटिवली, बहुत तरीके से हर एक चीज़ का इस्तेमाल करें। चाहे आप कितने भी अमीर क्यों ना हो, तो आप अपनी आगे वाली जनरेशन्स और आप अपनी सिविलाइजेशन, आप अपनी सोसाइटी के लिए बहुत अच्छा करेंगे। और आपने मेरे इस रूप को देखा ही है, मैं कितनी बुढ़ी हो गई हूँ। आप मेरे बेटे से नहीं मिले हैं, पता है? वो ना घोटक जी पर नहीं गया है, वो बिल्कुल मुझ पर गया है, बिल्कुल मेरे जैसा लगता है। गिल्लू, हाँ गिल्लू, घोटक नारायण प्रसाद, गिल्लू घोटक नारायण। मेरी याददाश्त थोड़ा ख़राब हो गई है, मैं क्या करूँ, ओल्ड एज है ना। तो मेरा जो बेटा है ना गिल्लू, वो बिल्कुल मेरे जैसा लगता है। कहीं पास के मोहल्ले में आपको दिख जाएगा अपने दोस्त यारों के साथ थोड़ा मटर गश्ती करता हुआ। क्या करें, उसका भी कुछ समझ में नहीं आ रहा, इतना गुस्सैल है, मूछें रख रखी हैं, चेने लगा रखी हैं उसने, बस मेरे जैसा दिखता है, मेरा प्यारा बच्चा। वो जो है ना, वो पार्ट जिसमें वहाँ मैं एंड कर